Hello guys, you are watching Seva Learning. You can also visit us on www.sevalearning.in. So today I am going to tell the important dates of all the state about the round 2 counseling, round 2 and mop up round. क्योंकि अभी तक ऑल इंडिया के रिजल्ट रुकने के कारण हर स्टेट की काउंसलिंग स्टॉप या पोस्टपोन कर दी गई थी. लेट्स सी व्हाट आर द अपडेट फॉर द राउंड टू. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से. देयर इज नो अपडेट फॉर उत्तराखंड टिल नाउ. द डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर राउंड टू पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर. और अभी तक इन्होंने कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं दिया है. जैसे इन्होंने राउंड टू ऑल इंडिया की राउंड टू से स्टॉप किया था और अभी तक सेम इन्होंने स्टॉप किया है. अभी तक कोई फर्दर नोटिफिकेशन उत्तराखंड से नहीं हुआ है. जो भी लोग उत्तराखंड में अप्लाई किए हैं, प्लीज़ बी एक्टिव विद द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उत्तराखंड. क्योंकि राउंड टू का कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ETC हो जाए तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करेंगे. मेरे पास कोई अपडेट आता है तो मैं आपको श्योर अपडेट करूँगा. ओके, अब आते हैं MP के लिए. MP की भी राउंड टू जो है अभी तक उसी पे स्टॉप कर दी गई है. और इन्होंने राउंड वन के लिए कुछ नोटिफिकेशन दिए हैं. चलिए देखते हैं क्या है. ओके, ये देखिए इन्होंने कुछ दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग की नीट UG 18 के प्रथम चरण आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दो तीन चरण के आवंटन का परिणाम आज 0108 को घोषित किया गया है. ठीक है, मतलब द्वितीय चरण का जो है वो जो परिणाम था उन्होंने घोषित किया गया है. और इस परिप्रेक्ष्य में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में प्रवेश हेतु एवं ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देना चाहते हैं पोर्टल को दिनांक 02/08/2018 से 04/08/2018 5 PM तक पुनः खोला जाता है. ठीक है, तो ये थी आपकी MP की नोटिफिकेशन. और एक और नोटिफिकेशन है, आई थिंक हिंदी आती है हमें, मैं आपको बता सकता हूँ पर कम बता सकता हूँ. द्वितीय चरण की काउंसलिंग के मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी डोमिसाइल अभ्यर्थी एवं ऐसे जो राज्य के बाहर के निवासी को आवंटन है तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर सकेंगे. राउंड वन में क्या था कि जो अदर स्टेट के लोग थे वो MP की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, अदर स्टेट नॉन डोमिसाइल पीपल, पर वो राउंड टू से एलिजिबल कर दे रहे हैं और राउंड टू में अदर स्टेट पीपल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए. ठीक है, हिंदी थोड़ी हमें कम समझ में आती है, ये तो है ही. अब ये लिखा है द्वितीय चरण हेतु तो प्रदर्शित काउंसलिंग के कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में सभी पात्र प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, ठीक है, और जिन्हें प्रथम चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुआ, ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग करानी होगी उनको, फिर से मतलब चॉइस फिलिंग करानी होगी दिनांक 11/08 से मध्य राति तक. प्लीज़ हिंदी इज़ माय वीक. आप लोग इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, नीचे पढ़िएगा और उसके हिसाब से अपना काम करिएगा. ठीक है, सो MP का भी ये दो ही नोटिफिकेशन था, इसके अलावा और कोई नोटिफिकेशन नहीं है. ठीक है, उड़ीसा JEE ने भी अभी उड़ीसा का कोई खास अपडेट नहीं दिया है. ठीक है, इन्होंने जो भी अपडेट दे रहे हैं वो BSc बी फार्मा एंड ब्ला ब्ला के लिए दे रहे हैं. MBBS के लिए इन्होंने राउंड टू का कोई अपडेट नहीं किया है. मीन्स स्टिल देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड टू फॉर MBBS एंड BDS सीट इन उड़ीसा. ओके, अब आ चलते हैं उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में जो लोग भी राउंड टू का रजिस्ट्रेशन किए थे उनको अब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. सो प्लीज़ अभी मॉपअप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, केवल राउंड टू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है. जिसको प्राइवेट सीट लेनी है वो प्लीज़ 2 लाख रुपए लेके
उनके नोडल सेंटर पर पहुंचे। आइए उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। डेट है जो ऑल इंडिया रैंक 60 से लेके 598-46 तक, 425 से 662 मार्क्स वालों को 3 अगस्त को जाना है, 424 से 305 तो 4 अगस्त को जाना है, एंड 17-5-7-6-4 को 6 अगस्त। इस तरीके से आपको ये डेट दिया है और इस डेट पे जाके उनके नोडल सेंटर पे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है, कि है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए प्लस जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो यूपी में प्राइवेट सीट के लिए अप्लाई किए थे, अपने हिसाब से डेट चूज करिए और जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, ओके, एंड देन यू हैव टू डू द चॉइस फिलिंग, ओके। अब आ जाइए हरियाणा के। हरियाणा की राउंड टू का अभी अपने पास कोई अपडेट नहीं है, उन्होंने वेबसाइट पे कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिया है, ओके। अब आ जाइए तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में देखिए 31 को और 30th जुलाई को जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज था उनकी काउंसलिंग थी, बस वो केवल तमिलनाडु के बच्चों के लिए थी। अदर स्टेट के बच्चे जो तमिलनाडु में सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में अप्लाई किए थे उनके लिए उन्होंने अभी कोई अपडेट नहीं दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आपको जो भी कुछ और नॉलेज चाहिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.tnhealth.org पे जाइए और विजिट करके चेक कर लीजिए, ओके। कुछ वैकेंट सीट रह गया है जो 31 को जो काउंसलिंग था उसके बाद कुछ वैकेंट सीट रह गई है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में। ये वैकेंट सीट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब आ चलते हैं वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल में वही है कि राउंड टू का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो उन्होंने दे दिया है, प्लस राउंड वन के बाद जो वैकेंट सीट है वो भी उन्होंने अपडेट कर दिया है। सो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां चेक कर सकते हैं। द URL इज़ wbmcc.nic.in, ठीक है। ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, ख़त्म। अब आ जाइए राजस्थान की काउंसलिंग में। राजस्थान की काउंसलिंग देखिए, उन्होंने राउंड टू के लिए जो ऑफलाइन काउंसलिंग करवाई थी उसका कोई अपडेट नहीं है। अपडेट उन्होंने केवल ये चीज़ दिया है कि 1 अगस्त से जिसको कॉलेज मिल गया है वो कॉलेज जाके क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। ये पहली नोटिस है। दूसरी नोटिस है, एक जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी थी जो कि राउंड वन की काउंसलिंग में इंक्लूडेड नहीं थी, राउंड टू की काउंसलिंग में उन्होंने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को इंक्लूड कर दिया, जिससे कि 150 सीट राजस्थान के इंक्रीज कर गई। तो ये सबके लिए बेनिफिट हुआ। द पीपल फ्रॉम द अदर स्टेट ऑल्सो विल गेट द बेनिफिट एंड द पीपल ऑफ द डोमिसाइल ऑफ राजस्थान विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट बिकॉज द इंक्रीज 150 सीट। बिहार स्टेट की काउंसलिंग, इनकी वेबसाइट ही ऐसी है जो हमें कम समझ में आती है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी इन्होंने MBBS और BDS सीट राउंड टू के लिए कोई खास अपडेट नहीं दिया है, ठीक है। इनकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो हमें कम समझ में आती है, ये क्या करते हैं कैसे करते हैं, इसी में सारी चीज़ें डाले रहते हैं। इनकी पॉलिटेक्निक है, इनकी इंजीनियरिंग है, सब कुछ इसी में घुसाए पड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से विजिट करके आप चेक कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज़ नो नोटिफिकेशन फॉर द राउंड टू, ओके। सो आप bcecboard.bihar.gov.in पे जाके आप राउंड टू की नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, ओके। अब आ जाइए MCC के। MCC में देखिए, राउंड टू का रिजल्ट आप सब लोगों ने देख लिया है। बहुत सारे पेरेंट्स लोग परेशान हैं जिनको कॉलेज तो मिल गए हैं बट बहुत कॉस्टली कॉलेज मिल गए हैं। अब क्या किया जाएगा, चॉइस फिलिंग उनको ढंग से करना चाहिए था। मैंने बहुत बार बताया कि चॉइस फिलिंग आपको प्रॉपर वे में करनी है, कॉलेज वही फिलअप करने हैं जो आपके बजट में हो, बजट से बाहर मत फिलअप करिएगा। लेकिन फिर भी देखिए, जहाँ तक चांस होने चाहिए कि 2 लाख रुपए भारत सरकार या MCC आपका लेकर डाइजेस्ट नहीं करेगी, इसके लिए लास्ट तक चांस यही है कि आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। जो लोग कॉलेज नहीं लेते उनको भी रिटर्न इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 2 लाख रुपए MCC लेके बच्चों का कहाँ डाइजेस्ट करेगी, उसके लिए मे बी स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट कर दें तो उनको पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है। और एक भी रूल है कि विद इन 48 आवर्स अगर आप रिफ़ंड ले लेते हैं तो आपका राउंड टू में भी रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई ऑफिशियल मतलब ऑप्शन नहीं दिया है। ओके, रिजाइनेशन का दिया है राउंड टू वगैरह के लिए, जो आप यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, ये आपकी नोटिस थी। ओके, सो इसको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कर्नाटका की। देखिए, कर्नाटका की मॉपअप राउंड की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई है। राउंड टू की ऑप्शन एंट्री को एक्सटेंड कर दी गई है, आज तक 3 अगस्त तक था। और इनका मॉपअप राउंड का और राउंड टू का एक अलग ही शेड्यूल आया है, उस शेड्यूल को प्लीज़ आप जो विजिट करके चेक करिएगा। ठीक है, रिवाइज शेड्यूल फॉर सेकेंड एंड मॉपअप राउंड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये रिवाइज शेड्यूल थी कर्नाटका की, सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और किसी अदर स्टेट का था, जैसे वेस्ट बंगाल का मैंने बताया दिया, यूपी का, कर्नाटका का, उड़ीसा का, राजस्थान का, हर जगह का आपको अपडेट दे दिया गया है। सो जस्ट गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप इंजॉइंग, हैव अ नाइस डे।